गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों आज मैं आपके सामने तीन वीवर्स के डाउट्स लेके आया हूं। तो दोस्तों डाउट्स को समझते हैं, बहुत ही आसान वर्ड्स है लेकिन मोस्टली स्पीकिंग में ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों समझते हैं, वो वर्ड है इनवोक और इवोक। ये मुझे निखिल ने पूछा था, इनवोक और इवोक इसको समझते हैं दोस्तों। उसके बाद वाइल प्लस वर्ब आईएनजी, ये मुझे अजित मौर्य ने पूछा था कि सर वाइल प्लस वर्ब आईएनजी और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या अंतर, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है वेन और वाइल, वेन और वाइल में क्या अंतर, ये मुझे अमिताभ बॉस ने पूछा था। तो ये तीन फ्रेजेस, तीन वीवर्स के जो डाउट्स हैं हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारा वीडियो है। मोस्टली ऐसे वर्ड्स न्यूज़पेपर में आ जाते हैं या और भी कहीं आ जाते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम लोग बनाए कैसे। तो चालू करते हैं कि वो वर्ड क्या है। तो पहला मैं आपको समझाऊं इनवोक। इनवोक का मतलब होता है कॉल ऑन और अपील टू, आह्वान करना। जब हम लोग किसी स्पिरिट को, किसी आत्मा को, किसी भगवान को, देवी को, किसी बड़े को, कोई बड़े अथोराइज्ड वो पर्सन भी हो सकता है, वो देवी या भगवान हो सकता है, उसको हम लोग जब आह्वान करते हैं या कुछ करने के लिए बोलते हैं हम लोग, तो उसको कॉल ऑन या अपील करते हैं, तब हम लोग यूज करेंगे इनवोक। ये वर्ड है इनवोक। तो अब मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूं, एक ही बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग आह्वान करना यानी इनवोक का यूज कब करेंगे और इवोक का यूज कब करेंगे। जैसे यहां लिखा है कि द डांस वॉज परफॉर्म्ड टू इनवोक गॉड, मतलब डांस को परफॉर्म किया गया गॉड को बुलाने के लिए, गॉड को आह्वान करने के लिए कि गॉड अब आइए। ये हमारा डांस है, बहुत ही मेहनत से डांस किया गया, काफी बहुत देरों तक डांस किया गया ताकि गॉड को हम लोग इनवोक कर सके, उनको बुला सके, उनका आह्वान कर सके कि देखो हमारी मेहनत को देखो और हमारे डिवोशन को देखो और हमारे लिए कुछ करो। तो वहां पर हम लोग इनवोक का इस्तेमाल करेंगे, यानी स्पिरिट को, डेटी को या फिर गॉड को बुलाने के लिए हम अपना कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं, पूजा परफॉर्म करते हैं या फिर डांस परफॉर्म करते हैं और भी ऐसी बहुत सारी परफॉर्म करते हैं, तब हम लोग उसको यूज करेंगे इनवोक, आह्वान करना। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, मिलता जुलता वर्ड है इवोक। इवोक का मतलब होता है पुकारना, नॉर्मल पुकारना या याद दिलाना। कैसे, मेक समवन रिमेंबर और फील एन इमोशन। कुछ चीज याद आ जाती है, कुछ चीज अचानक फील होती है, हमारे इमोशंस फील होता है, तब हम लोग यूज करेंगे इवोक। कैसे, अब ध्यान देंगे, द स्मेल ऑफ समोसा, समोसी की गंध, द स्मेल ऑफ समोसा इवोक्स मेमोरीज ऑफ माय स्कूल। तो जो समोसे की जो खुशबू है या गंध है वो मुझे स्कूल की याद दिलाती है, स्कूल की याद दिलाती है, मतलब कुछ ऐसी मेमोरी मुझे याद दिलाती है। तो कुछ मेमोरी को याद दिलाना, मेमोरी को पुकारती है। जब मैं ऐसी कुछ खुशबू देखता हूं या कुछ ऐसी बात देखता हूं तो मुझे पुरानी याद, स्कूल की याद आ जाती है कि स्कूल में हम लोग कैंटीन में समोसा खाया करते थे, तो वो मुझे पुरानी बात याद दिलाती है। वहां पर इवोक्स बोलेंगे, इनवोक यानी आह्वान करना और इवोक यानी याद दिलाना या पुकारना। तो द स्मेल ऑफ समोसा इवोक्स मेमोरीज ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल की याद को पुकारती है, याद दिलाती है, मुझे वो चीज याद आ जाती है। ये आएगा मिस्टर निखिल। तो मुझे उम्मीद है कि एक एक सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग इवोक कब बोलेंगे, इनवोक कब करेंगे। अब मैं दोस्तों अगला लेता हूं। अब मैं आपको पहले ये समझाता हूं वेन और वाइल में क्या अंतर है। तो दोस्तों वाइल का मतलब ये होता है कि दो काम लगातार एक साथ होते हैं या एक काम होते हो तो दूसरा काम होता है, तब हम लोग यूज करेंगे वाइल। कब, जब दो काम एक साथ होंगे या काम होते हो तो दूसरा काम होगा, तब हम लोग वाइल करेंगे। तो देखते समझते हैं। और वैन का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे कि एक काम हो जाने की वजह से दूसरा काम होगा, एक काम के हो जाने की वजह से दूसरा काम होगा, तब हम लोग वैन करेंगे और दोनों का टाइम एकदम अलग अलग रहेगा। कब, वैन में। वैन का मतलब है कि जब मैं वीडियो खत्म कर दूंगा तब मैं अपलोड करूंगा। वैन आई फिनिश्ड माई वीडियो, वैन आई फिनिश माई वीडियो देन आई विल अपलोड, वैन आई फिनिश माई वीडियो देन आई विल अपलोड। जब मैं वीडियो फिनिश करूंगा उसके बाद ही अपलोड करूंगा ना। और जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय एक बंदा आया, उसने एक बंदे ने नॉक किया या आया मुझसे मिलने के लिए, तो हम लोग वाइल बोलेंगे। वाइल आई वॉज शूटिंग द वीडियो वन पर्सन केम, वहां पर वाइल आएगा। मतलब एक काम फिनिश होने के बाद जब दूसरा काम होगा तब वैन होगा। और वो काम करते करते कोई काम होता है, उस काम करने के दौरान अगर कोई काम होता है तब हमको क्या लगाना है, वाइल लगाना है। ओके, सेंटेंस देखते हैं। प्लीज कम टू मीट मी वेन यू आर फ्री।
यानी फ्री होने के बाद ही मिलने जाएगा ना वो, तो प्लीज कम टू मीट मी, कृपया मुझसे मिलने आओ व्हेन यू आर फ्री, जब आप फ्री होते हो तो मुझसे मिलने आओ, तो फ्री होने के बाद उसको मिलने जाएगा, व्हेन आया, व्हाइल नहीं आ सकता। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई लिव्ड इन विलेज, जब मैं बच्चा था मैं गांव में रहता था, तो मेरे बचपन में मैं गांव में रहता था, जब मैं बच्चा था मैं गांव में रहता था, सेंटेंस कह रहा है। नेक्स्ट, आई वॉज मेकिंग फूड वाइल शी वॉज वॉचिंग टीवी, देखो आप यहां खाना पकाने का काम भी हो रहा है और टीवी देखने का काम भी हो रहा है, दो काम एक साथ हो रहे हैं। तो व्हेन आई वॉज मेकिंग फूड वाइल शी वॉज वॉचिंग टीवी, मैं खाना पका रहा था या मैं खाना पका रही थी, वो टीवी देख रही थी, जब वो टीवी देख रही थी तो दो काम एक साथ हो रहे हैं, या काम करने के दौरान दूसरा काम हो रहा है, यहां तो फिलहाल दो काम एक साथ हो रहे हैं। अगर देखिए, द डोर बेल रेंग, डोर बेल बजी, घंटी बजी, वाइल आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था, मतलब मेरे सोने का काम भी चल रहा था उसी दौरान घंटी बजी, तो द डोर बेल रेंग वाइल आई वॉज स्लीपिंग, वाइल आएगा वेन नहीं आ सकता है ना। एक काम फिनिश होने के बाद, एक काम फिनिश होने की वजह से दूसरा काम होता तब वेन आता। अब देखते हैं आगे, अब मैं अजीत मौर्य का सवाल का जवाब दे रहा हूं, उन्होंने कहा था कि वाइल प्लस आईएनडी तो लगता कोई काम खाते खाते, पीते पीते, जाते जाते, उस समय तो हम लोग बोलते हैं खाते खाते वाइल ईटिंग, जाते जाते वाइल गोइंग, बात करते करते वाइल टॉकिंग, सोते सोते वाइल स्लीपिंग, वहां तो आता है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल, बस वो एक्शन के सेंस में आ सकता है, एडजेक्टिव के सेंस में आ सकता है, और नाउन के सेंस में आ सकता है, वर्ब में आईएनजी, ये तीन सेंस में आ सकते हैं। ये वर्ब में आईएनजी पार्टिसिपल है प्रेजेंट। तो वाइल ईटिंग फूड यू शुड नॉट टॉक, खाना खाते खाते तुम्हें बात नहीं करना चाहिए, खाना खाने के दौरान तुम्हें बात नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। वाइल स्माइलिंग शी सेड एवरीथिंग, मुस्कुराते मुस्कुराते उसने सब कुछ कह दिया, मुस्कुराते मुस्कुराते उसने सब कुछ कह दिया, ये देखिए ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन हमें कहना है कि वो हंसता हुआ आया, तो हम लोग कहेंगे शी केम लॉफिंग, लेकिन वो हंसते हंसते आया तो शी केम वाइल लॉफिंग, हंसते हंसते आया तो शी केम वाइल लॉफिंग, लेकिन वो हंसता हुआ आया, शी केम लॉफिंग, यहां पर वाइल लगाने की जरूरत नहीं है, शी केम वाइल लॉफिंग बोलेंगे तो भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमें ये बात पर स्टेज देना है कि खाते खाते, जाते जाते, बोलते बोलते, हंसते हंसते, लड़ते लड़ते, गाली बकते बकते, तब हमको वाइल ही लगाना है। यस, दैट्स ऑल। तो दोस्तों ये था, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो डाउट्स था आपका वो क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों डाउट लेके आने वाला हूं जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारी इंग्लिश अफेक्टिव डेक्रेटिव और इंग्रेसिव हो जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, कॉमेंट बॉक्स में भी लिखना है कैसा लगा, और डाउट पूछना तो बिल्कुल बंद नहीं करना है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। और कल सैटरडे है दोस्तों, सैटरडे को मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाऊंगा, ओके, प्लीज ध्यान देंगे। धन्यवाद मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिशों के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके डाउट के साथ और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।